आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में डीसीए प्लेलिस्ट यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के प्लेलिस्ट में हम लोग एक बड़ा ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जैसा कि नाम है, इसमें आप सीखेंगे ड्रॉइंग और अलग अलग तरह की ड्रॉइंग टूल्स यहाँ पे दी गई है। कलर बॉक्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके बारे में आज आप यहाँ सीखेंगे। ये कंप्लीट वीडियो में आप पूरा पेंट ब्रश सीख सकते हैं, कैसे पेंट ब्रश को आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, कैसे वहाँ पे अलग अलग टूल्स का यूज करेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करें, आज की स्टडी स्टार्ट करें, इस क्लास से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अपने जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए यूजर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल और किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वेब डेवलपमेंट हो, हर तरह की वीडियो आपको हमारे इस चैनल से मिलेगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको कुछ नई वीडियो डेली आपको मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पेंट ब्रश की पढ़ाई, जिसमें मैं पहले आपको प्रेजेंटेशन से पेंट ब्रश के डिफरेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा और फिर प्रैक्टिकली हर टूल्स को यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में पेंट ब्रश इन डीसीए प्लेलिस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पेंट ब्रश की प्रैक्टिकल डेमो करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे पेंट ब्रश को ओपन किया जाए। तो आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च में लिखें पेंट, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दें, वो विंडो आपकी खुल जाएगी। आई थिंक ये विंडो आपने ओवरव्यू कर लिया होगा प्रेजेंटेशन सेशन में। तो चलिए हम इसका यूज़ बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर आप चेंज कर लो, सपोज अभी बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है और फॉरग्राउंड कलर जो है आपका ब्लैक है, तो अभी आप क्या करो कि यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ये देखो यहाँ से टूल फिल विथ कलर टूल है, आप इसमें से कोई भी कलर लेके यहाँ पे इसको फिल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, आप उन सारे शेप को यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट आप स्टार बनाना चाहते हो, आप ऐसे स्टार क्लिक कर लो। अभी देखो सेम फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों सेम होने के कारण यहाँ पे कलर आपका दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से फॉरग्राउंड कलर को चेंज कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो माउस की जो ये पॉइंटर है, ये भी देखो फोर एरो में है, तो आप इस इमेज को कहीं भी मूव करा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये जो चार बहुत सारे पॉइंट्स छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, उस पर आप जब माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हो, इमेज को रिसाइज कर सकते हो, छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये माउस से ये ऑप्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो इस इमेज में आप कलर डालना चाहते हो, तो आप यहाँ से फिल विथ कलर टूल बॉक्स यहाँ पे पिकअप करो। ठीक है, एक बार माउस क्लिक करोगे तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आप जो कलर फिल करना चाहते हो इसमें, आप वो कलर सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पर लाओगे तो देखो ये फिल विथ कलर में पॉइंटर आपका चेंज हो गया है। आप इस पर क्लिक कर दो, ये आपका कलर इसमें फिल हो जाएगा। इसे सेलेक्ट कर आप इस इमेज के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप इस इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से क्लिक करें इस पर और फिर इस इमेज को आप जिस शेप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप कट या कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको कई कई बार पेस्ट कर सकते हैं। तो कट कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो वही है जो नोटपैड में है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कट कंट्रोल एक से कट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद जो बैकग्राउंड इमेज आपका वाइट आ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ से चाहते हो कि इसमें कुछ पेस्ट कर दें, कुछ कलर इसमें फिल कर दें जो पहले का कलर है, तो आप इसमें इसको फिल कर दीजिए। फिर कट किया हुआ जो टेक्स्ट इमेज है आपका वो क्लिपबोर्ड में चला गया है, तो आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें। एक बार और पेस्ट करेंगे तो दो बार इमेज आपका आ जाएगा। अब इसको यहाँ से स्लाइड कर लो माउस से, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे दो स्टार आ गया। फिर एक और कंट्रोल भी करोगे तो एक बार और आ जाएगा। अब इसको माउस से यहाँ से ड्रैग करके आप इसको अपने जगह पे पहुँचा दो। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिपल स्टार हो गया। सपोज दैट आप यहाँ पर नीचे लिखना चाहते हो ट्रिपल स्टार, तो यहाँ लिखने के लिए आपके पास टूल है ये टेक्स्ट टूल, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया। आप यहाँ से इसका फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करें यहाँ पे
और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। मेरा फेवरेट ये है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हो, बहुत सारे साइज़ हैं, ठीक है। तो मैं ये मैक्सिमम साइज़ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हो इस तरह से। कोई कोई चीज़ लिख के उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू, यानी लिख के और कटा हुआ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। चलिए यहाँ पे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं टाइप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे टाइप करने पे आपका आ नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो कलर वन है अभी बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा है। तो जिस कलर में आप लिखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ट्रिपल स्टार या ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो मान लो अगर ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसको थोड़ा बीच में ले जाओ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद हो, सपोज दैट आप ब्लू चाहते हो, और ब्लू में अगर आप डार्क ब्लू चाहते हो तो एडिट कलर ऑप्शन में जाओ और यहाँ से जितना डार्क आप ऑप्शन चाहते हो उतना डार्क करके ओके पे क्लिक कर दो, आपका उस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, है ना। फिर बाहर में क्लिक कर दोगे तो आपका ये ट्रिपल स्टार लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलो इस तरह एक एक डिज़ाइन आपने बनाया, इस फाइल को आप सेव कर लो, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोगों ने बनाया था फोल्डर, उस डेस्कटॉप के फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, माय पेंट के नाम से बनाया था और इसका नाम रख दो स्टार। चलो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लो, एक बार में सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए ऑप्शन से सारे सिलेक्ट हो गए, आप डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करोगे पूरा डिलीट हो गया। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि अगर आप मान लो कि यहाँ पे कलर डाले हुए हो फॉरग्राउंड कलर, ये ब्लू, अगर आपने सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जब आप इसमें इरेजर चलाओगे, देखो ये इरेजर है, या पेंसिल आप यूज़ करो, तो इरेजर यूज़ करोगे तो जिधर, तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है, अभी देखो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, पिंक है। तो जिस जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, सपोज आपको स्माइली बनाना है, ठीक है, तो आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जो भी शेप आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो अलग अलग शेप इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज करके, अभी देखो फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों आपका सेम है। अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे तो आपका यहाँ पे आपका जो कलर है उस कलर में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पिंक कलर है तो पिंक कलर में आ जाएगा। अगर आप इसको ये कलर सेलेक्ट कर लोगे तो इस कलर में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो बैकग्राउंड कलर आपका जो है कलर टू में, वो आपका ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए कलर वन सेट करते हैं, फिर इसमें आगे काम करते हैं। सपोज आप पेंसिल से कुछ करना चाहते हैं तो पेंसिल का थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको पतला कर देंगे तो आपका पतला चलेगा पेंसिल, अगर आप मोटा कर देंगे तो, सबसे मोटा ये था मान लो, इसमें बीच में इस तरह से आप कर सकते हो। तो जो कुछ भी आप पेंसिल से करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास मैग्नीफायर, मान लो आप मैग्नीफायर से किसी भी छोटे चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हो, यहाँ से देखो, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये 500% हो गया, यानी इमेज आपका 5 गुना बड़ा हो गया है। तो आप यहाँ से इसको नॉर्मल कर सकते हो 100, ठीक है। पिक कलर क्या ऑप्शन है, कलर पिक करने का ऑप्शन है। सपोज दैट कि आप क्या चाहते हो कि जैसा ये कलर है वैसा ही इसका बैकग्राउंड का भी कलर हो जाए, तो यहाँ से पिक कर लो, और अब यहाँ से आप इसको पिक करने के बाद फिल कर लो, ठीक है। जहाँ भी आप ये, चूँकि ये घिरा हुआ है तो जहाँ जहाँ पे आपका कलर है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से हटाना चाहते हो या कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने बताया आप कॉपी पेस्ट करना इमेज को, आप जैसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो। ये बैकग्राउंड कलर यहाँ आ गया है, आप अगेन यहाँ से ये फॉरग्राउंड पिक करके इसमें आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ब्रश का यूज़ आप देख लो, अलग अलग साइज और शेप के ब्रश हैं। सपोज दैट ये ब्रश अगर आप यूज़ करोगे, इसको एयर ब्रश कहते हैं। किस कलर में आप एयर ब्रश यूज़ करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप कुछ भी आप इसमें करना चाहते हैं, मैं आज आपको कोई नया डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे टूल्स का यूज़ आपको बता रहा हूँ। आप सारे टूल्स का यूज़ समझ लो, फिर अगले वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा पिक्चर बना के किसी भी चीज़ का आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो पेंट ब्रश को।
ठीक है, एयर ब्रश है आप सपोज ये वाला ब्रश अगर यूज़ करते हो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ ब्रशिंग कर सकते हो, है ना। अलग अलग तरह के ब्रश हैं, आप करके देखना, खुद से करके भी देखना। मैंने आपको एक दो बताया, आप खुद भी कर सकते हो इसे, है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन, कट कॉपी ऑप्शन, ठीक है, ब्रश, पेंसिल, इरेजर, पिक कलर, मैग्नीफायर, टेक्स्ट लिखना, फिल करना, ठीक है, और डिफरेंट शेप बनाने। अब शेप में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद करके देखना इसे, ठीक है। जैसे देखो मैं एक कर्व का यहाँ पे बताता हूँ, कर्व का ऑप्शन है यहाँ। अब सपोज ये कर्व आप यहाँ चाहते हो, तो कर्व में क्या है कि आप इसे दो बार बैंड कर सकते हो, एक बार ड्रॉ करो उसके बाद इसे बैंड कर दो। सपोज दैट बैंड करने के बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट, अभी देखिए पहले वाला यहाँ आ गया, तो एक बार और आप देखिए कर्व, मैं आपको बता दूँ यहाँ से इसको आप पहले एक बार खींचो, उसके बाद एक बैंड करो, जैसे बैंड करना जिस जहाँ से भी करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे इसको बैंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप कलर डालना चाहते हो कलर डाल दो, ये आपके ऊपर है, इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो। कर्व लाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल्स है और यूनिक टूल है पेंट ब्रश का, जो आप यूज़ कर सकते हो तीन बार, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये कोई आपने ड्रॉ किया शेप, आप इसका आउटलाइन बदलना चाहते हो यहाँ से, ठीक है, अलग अलग तरह का आउटलाइन है, नो आउटलाइन यूज़ करोगे, विदाउट आउटलाइन यानी बिना बॉर्डर का आपका दिखेगा, सॉलिड कलर आप यूज़ करना चाहते हो सॉलिड कलर यूज़ करो, क्रेयॉन यूज़ करना चाहते हो, वायली यूज़ करना चाहते हो तो वायली में आपको ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग आउटलाइन का स्टाइल है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली नो आउट सॉलिड कलर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर कूलर भी है, देखिए वाटर कूलर में क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक बार जिस समय आप इमेज बना रहे हो उस समय सेलेक्ट करके आप फाइनली आउटलाइन छोड़ दोगे तो आप उसको कर सकते हैं सॉलिड कलर। यहाँ पे फिल है तो फिल कर सकते हैं आप जिस तरह से फिल करना चाहते हैं, जैसे मार्कर में आप कलर यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है, कलर चेंज करके आप देखो वायली में इस तरह का आएगा आपके पास, बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लो तब आपका अच्छे से आएगा, देखिए जैसा बैकग्राउंड कलर आप चाहते हैं वैसा यहाँ से सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड कलर में आप सेकंड कलर चेंज करके आप यहाँ से, अब इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, सपोज दैट आप अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम लिख दीजिए अपना, साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये बाहर जा रहा है इसे आप थोड़ा छोटा साइज कर लीजिए, इस तरह से लिख के आप इसको छोड़ सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं, आई थिंक आपको ये सारे टूल्स समझ में आ रहे होंगे। तो कुछ ऑप्शन आप मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ, जैसे रीसाइज करने का ऑप्शन, रोटेट करने का ऑप्शन, ऐसे आप रोटेट का भी देख सकते हो। रोटेट करने के लिए पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके जब आप इसे रोटेट करोगे, जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री पे अगर आप रोटेट करोगे तो इस तरह से आपका रोटेट हो गया, आप लेफ़्ट अगर करोगे तो इस तरीके से फिर से सीधा हो गया, 180 डिग्री करोगे तो बिल्कुल फ्लैट नीचे की ओर आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। ये तीन ऑप्शन है, आप करके देखना, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल करेंगे तो क्या होगा कि जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला आएगा, देखिए, है ना। आप इसको फिर से कर दीजिएगा तो फिर वापस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल करोगे तो इस तरीके से एस इधर लिखा हुआ था वो हॉरिजॉन्टली अब इधर आ गया। तो नॉर्मली इसका इमेज पे हम लोग यूज़ करते हैं कि जब इमेज को इमेज इधर की ओर देख रहा हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक इमेज पे करके बताता हूँ इस ऑप्शन को। पेस्ट फ्रॉम से आप इमेज को पेस्ट कर लो, देखो हमने डी ड्राइव से, मैं आपको ये इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने इस इमेज को। सपोज दैट इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए बैकग्राउंड इसका,
ठीक है। अब सपोज दैट आप इसे चाहते हैं जितनी बार यहाँ पे यूज करना, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। सपोज आप इसे यहाँ से मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे मूव कर दिए या यहाँ पे ही रहने दो। आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, देखिए इधर आ गया इसका चेहरा, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और देखिए अब इसे आप फ्लिप एक बार फिर हॉरिजॉन्टल कर लीजिए तो इधर आपको दिख रहा है। इस तरह से आप डुप्लीकेट पिक्चर बना सकते हैं। एक बार और पेस्ट कर लीजिए, आप इसको 90 डिग्री लेफ्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से आप बना रहे हैं इमेज। एक बार और पेस्ट कर लीजिए आप, अब इसको 90 डिग्री राइट कर लीजिए, देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं पेंट ब्रश में। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पेंट ब्रश के और भी क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा काम है आपको टूल्स पे प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो आज मैंने जो भी टूल्स आपको बताया है वो सारे टूल्स कलर, बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड, शेप, आप ये सारे यूज़ करके देखो। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया पिक्चर बना के आपको पेंट ब्रश में और भी इसके एप्लीकेशन को दिखाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करो, कम से कम 15-20 पिक्चर आप बनाओ, ये असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम 15-20 पिक्चर टूल्स का यूज़ करके आप बनाओ और अलग अलग तरह की क्रिएटिव वर्क करने की इस पर आप कोशिश करो, तभी पेंट ब्रश का आपको फ़ायदा समझ में आएगा। अदरवाइज एक बार आप करके छोड़ दोगे तो आपको कुछ इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप रेगुलर इसको यूज़ करो और 15-20 इमेज तो आज के आज आप कर ही लो इसे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। अगर किसी टूल्स और ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कॉमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।